न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर शफी। पहली खबर खेतिया और वहीं दूसरी अंजड़ से है। पहले बात करते हैं खेतिया की। खेतिया शहर में टीकाकरण का लक्ष्य आज पूर्ण हुआ। खेतिया के ग्रामीण क्षेत्र मलफा में टीकाकरण में अव्यवस्था भी नजर आई। खेतिया शहर के साथ साथ खेतिया के ग्रामीण मलफा व राखी में भी टीकाकरण का कार्य किया गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर कोई विशेष पहल दिखाई नहीं देती। हमारे संवाददाता ग्रामीण क्षेत्र के मलफा केंद्र पर पहुंचे, जहां टीकाकरण केंद्र में अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ नजर आया। ग्रामीण क्षेत्र होने से नेट चलने में समस्या थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी सूचना शासन की ओर से टीकाकरण की नहीं मिली, जिसके चलते कम ही लोग वहां पहुंचे। केंद्र पर अव्यवस्था के चलते ग्राम के युवाओं ने व्यवस्था संभाली, साथ ही जनपद पंचायत सीओ वीएस मोजालदे पहुंचे, तब टीकाकरण का कार्य भी प्रारंभ हुआ। ग्रामीणों ने टीकाकरण की सूचना नहीं मिलने की शिकायत और टीकाकरण की अव्यवस्था के लेकर भी जनपद पंचायत सीओ से शिकायत भी की। वहीं खेतिया टीकाकरण केंद्र पर आज के लक्ष्य अनुसार 400 नागरिकों का टीकाकरण होना था, जो कि दोपहर बाद ही पूरा हो गया। अब बात करते हैं अंजड़ की। अंजड़ के समीपस्थ ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग व बोरलाई में आज कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और जिला पंचायत सीओ ऋतुराज सिंह, एसडीएम घनश्याम दनगर ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवाड़ा बुजुर्ग व बोरलाई पहुंचे और दोनों ने स्थानों पर चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य का निरीक्षण करने के अलावा संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं टीकाकरण करवाने आए लोगों से भी चर्चा की, साथ ही डॉक्टरों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाकर गांव में 100% टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवाड़ा बुजुर्ग के डॉक्टर राधेश्याम नरगावे व ग्राम पंचायत तलवाड़ा बुजुर्ग के सहायक सचिव मयूर जैन व अन्य लोग मौजूद रहे। क्या चल रहा है? वैक्सीनेशन चल रहा है। कलेक्टर साहब आए थे, अभी क्या बोले? कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने दौरा करा और उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन में कितना लक्ष्य है। उनका कहना था कि ग्राम में 100% वैक्सीनेशन करवाना है, हमें ऐसे ग्राम चुनना है जो 100% वैक्सीनेशन हो जाए और वहाँ क्या क्या समस्या आ रही है ये जानना है। इसलिए उन्होंने बोला है कि पहले अपने यहाँ सेशन जो चल रहा है, अभी तो जो 200 का लक्ष्य मिल रहा है वो पूर्ण हो रहा है जी। मतलब उसके बाद उन्होंने बोला 2 से 3 दिन बाद जब लक्ष्य मिले आपको, तो आपको गांव में टोकन बांट के आपके गांव को 100% वैक्सीनेशन करवाना है, कोशिश करना है। उन्होंने यही बोला है कि वो तो समूह और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ सभी की, गांव के जनप्रतिनिधियों की मदद लेके 100% वैक्सीनेशन ग्राम को करवाना है।